नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार डीएलएड परीक्षा 2020 के संबंध में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। इससे पहले हम इस पर वीडियो बना भी दिए थे कि आपका एग्ज़ाम कब है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट है जिस पर बिल्कुल जो है जानकारी गलत शेयर किया गया है, तो फेक वेबसाइट की तरफ ध्यान मत दीजिए। फेक वेबसाइट पर फेक जानकारी ही मिलेगा आप लोगों को, सही जानकारी हम आपको देंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में देंगे। इससे पहले इस पर वीडियो बना भी दिए थे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी जानकारी मिस नहीं हो। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको जानकारी के अभाव में कमेंट करना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस 5 मिनट के वीडियो में सारा कन्फ्यूजन हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और आपका एग्जाम कब है ये जानकारी आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी गलत जानकारी की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे नए साथी हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव टेस्ट चलती है, तो प्लीज़ शाम 7 बजे आप सभी ज़रूर लाइव आ जाया कीजिए। जो भी बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो वो इस लाइव से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, तो प्लीज़ शाम 7 बजे जो है आप सभी लाइव ज़रूर आ जाया कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने अपने सर्च बार में सर्च किए होंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2020, और नीचे आइए तो यहाँ पर आप नज़ारा देखेंगे। 14 घंटा पहले, 20 घंटा पहले, 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या है वो भी हम आपको अभी खोल करके दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए थोड़ा गहरी नज़र से। तो यहाँ पर जैसे ही हम 14 घंटे वाले को ओपन किए तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड डीएलएड एग्ज़ाम 2020 कल जारी होंगे बिहार बोर्ड डीएलएड का एडमिट कार्ड, और इस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे आप। और यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न और उनके 450 अंक निर्धारित हैं, परीक्षा में गलत उत्तर होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर नीचे में देखिए, सत्र 2020 से 2021 के लिए हो रही संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एडमिट कार्ड कल जारी होगा, यानी कि 25 फरवरी आज जारी होंगे। डीएलएड स्पेशल एग्ज़ाम 17 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी। तो इस जानकारी को तो आप पहले ही पढ़ लिए होंगे, और यहां पर नामांकन के रूप में स्पष्ट कर दिया है कि 20 से 21 वाले के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा जानकारी है क्या। तो आपने देख लिया कि ये किस तरह से लिखा गया है, तो अभी केवल आप फेक न्यूज़ को ही देखिए, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि सही जानकारी क्या है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड डीएलएड एग्ज़ाम 2020 एडमिट कार्ड कल जारी होगा, यह लाइव हिंदुस्तान टीम के द्वारा जारी किया गया है, ये तो जानकारी गलत शेयर नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए, 20 से 21 के लिए हो रही नामांकन संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एडमिट कार्ड कल जारी होगा, यानी कि आज 25 फरवरी को जारी होंगे, 17 से 21 मार्च तक एग्जाम होगा। सोचने वाली बात है, ये जो है 20 से 21 वाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, लेकिन इसका एडमिट कार्ड 25 फरवरी को जारी आज नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ इसका विशेष परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं विशेष परीक्षा भी लिख दिया है, और 17 से 21 मार्च तक एग्जाम होगा। तो भाई, उतना सब्जेक्ट है कहाँ संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जिसका एग्ज़ाम 17 से लेकर के 21 मार्च तक होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, नीचे आने पर यहाँ पर लिखा गया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षण सत्र 17 से 18 के परीक्षा और 19 में जो अनुपस्थित हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे, इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो भाई, जिसका एडमिशन 20 से 21 में हो रहा है, वो जो है 17 से 18 में या 19 में कैसे अनुपस्थित हो गए थे या अनुत्तीर्ण हो गए थे, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये भी आपका फेक आया। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका 17 से 19 में शामिल हुए हैं या फेल हो गए, तो उस समय ओएमआर पर एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन, 450 मार्क्स कहाँ से आ गए और निगेटिव मार्क्स कहाँ से आ गए, ये भी आपका फेक न्यूज़ है। अब चलिए हम आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाते हैं। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाया है जो कि 17 से 19 वाले के लिए है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। अब यहाँ पर जो है हम आपको सही न्यूज़ की ओर ले चलते हैं।
अब दोस्तों आप सही जानकारी को देखिए कि आपका सही जानकारी क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा 20 फरवरी 2020 को जारी किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर देख सकते हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के संबंध में है। स्पेशल परीक्षा नहीं, स्पेशल परीक्षा होता है जो आपका सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है उसे स्पेशल एग्जाम कहा जाता है। ये आपका संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है जो इंट्रेंस एग्जाम के रूप में, जो जब आप एडमिशन लेंगे तो उससे पहले ये एग्जाम होता है, ये जानकारी आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2020 को आयोजित होगी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020, जिनका विवरण निम्न है। अब यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2020 को डीएलएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है होगा 10 बजे दिन से लेकर के 12:30 बजे तक, 2 घंटा 30 मिनट का ये आपका एग्जाम है जो आपका एक ही दिन एक ही घंटी में सब पेपर आपका हो जाएगा, ठीक ना। 5 पेपर है, 5ों एग्जाम आपका एक साथ हो जाएगा सभी पेपर का। अब यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ही होगा, 450 अंकों का होगा, 150 प्रश्न होंगे, ओएमआर पर ली जाएगी, और यहाँ पर आपका 10 सेट रहेगा, ए बी सी डी से लेकर के जे तक जो है 10 सेट रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या तैनात किया गया है, अगरह वगैरह ये सब जानकारी हम आपको दे दिए हैं, आप जो है खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए तो क्या क्या आप लोगों को एग्जाम हॉल में मिलेगा वो जानकारी यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं आगे, अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये बिहार, ये जो है लाइव हिंदुस्तान का ही न्यूज है, और यहाँ पर देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो कल परसों के पेपर में आया था। और यहाँ पर देखिए निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा मानवीय उच्च विद्यालय पटना दायर याचिका संख्या वगैरह वगैरह 28 मार्च 2019 को, 28 मार्च 2019 है, 2020 नहीं, ये बीत चुका है, उसके आदेश अनुसार वगैरह वगैरह कुछ जानकारी शेयर किया गया है। अब इसे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आपका डीएलएड विशेष परीक्षा है 2020 का, जो भी स्टूडेंट 2019 में अनुपस्थित हो गए थे या किसी कारणवश फेल हो गए थे 2017 से 19 वाले सेशन में, तो वैसे स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम होगा, पटना में ही होगा ये एग्ज़ाम, पटना से बाहर नहीं होगा, पटना में ही ये सारा एग्ज़ाम होगा। फिर भी हम कहते हैं अभी तक हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ये जो है आपका डेटा शीट है, इस जानकारी को अभी हम फिर से एक बार फ्रेश रूप में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका एडमिट कार्ड आज जो है जारी किया जाएगा बिहार डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 का। अब जैसे ही हम यहाँ पर बिहार डीएलएड स्पेशल एग्ज़ाम आते हैं तो ये जो है एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए और सही जानकारी को आप पहचानने का प्रयास जरूर कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे उसी जानकारी को सही सही प्रकाशित की गई है, 2017 से 19 वाले एग्जाम में जो भी स्टूडेंट शामिल हुए थे किसी कारणवश जो है फेल हो गए थे या अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो वैसे स्टूडेंट 2020 में शामिल हो पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका सेंटर जो होगा पटना के दायरे में ही होगा। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप शेड्यूल देख लीजिए, और यहाँ पर पूरा जानकारी जो है शेड्यूल देख लीजिए, इसमें कोई भी जानकारी आपको फेक नहीं है। विद्यार्थी आयोजित परीक्षा 2017 से 19 वाले सेशन के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन शैक्षणिक एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे, वो सब विद्यार्थी स्पेशल एग्जाम दे करके अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और इसका डेटा शीट नीचे दिया गया है, ऑफिशियली रूप से जारी किया गया है, उसी डेटा शीट को यहाँ पर जारी किया गया है, तो आप इसका शेड्यूल देख लीजिए। अब आपके दिमाग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम से संबंधित, आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी अभी एडमिशन होगा 20 से 21 में, उसका एग्ज़ाम 28 मार्च को है, और साथ ही साथ जो भी 19 में फेल हो गए थे या अनुपस्थित हो गए थे उसका एग्ज़ाम 17 से 21 मार्च तक है। ये डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका स्पेशल एग्ज़ाम है, सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम है। तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और रोज़ जो है 7:00 बजे टेस्ट चलती है तो आप उस टेस्ट को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइए। हो सके तो आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है सबसे पहले जानकारी दे दी जाती है, या फिर आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।